हाँ इसको बोलते हैं बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। पीछे देख रहे हैं आप, बच्चे खेल रहे हैं। पहले स्कूल में थे तो मन करता था कि भाई जल्दी से बड़े हो जाएं, और पढ़ाई बहुत बड़ी टेंशन लगती थी। अब बड़े हो गए हैं तो ऐसा लगता है कि पढ़ना और खेलना खाना ही तो था। अब जाके उस चीज़ की वैल्यू समझ आ रही है। क्यों शर्मा जी, जब भी तो मैं बोल रहा हूँ भाई, जो पल जब है ना, कसम से बोल रहा हूँ, आज तक जीवन में कभी है ना बचपन में जाने की कोशिश नहीं करी कि काश मैं बच्चा बन जाऊँ, या बचपन में था तो ये ना सोचता था कि मम्मी डैडी बन जाऊँ या बड़ा हो जाऊँ। तो जब जैसा है ना, मैंने भरपूर आनंद से जिया है। अब अगर बोलो कि शर्मा जी आपको 5 साल पीछे ले चलता हूँ या 40 साल पीछे ले चलता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं जाने वाला। मैं जहाँ हूँ ना वहीं से मस्त। मैं तो चली जाऊँगी बचपन में अपने। इनके लॉजिक अलग रहते हैं। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आए हुए हैं, होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह धूप सेक रहे होंगे। आज सोचा भाई घर में धूप सेकने की बजाय ना यहाँ पे धूप सेक लेते हैं। ये हमारे पीछे जो बना है, ये जानकी सेतु से आगे है थोड़ा सा, ये यार्ड बना है, ये अभी बना है, कुछ एक हफ्ता ही हुआ होगा। ये भी आगे भी बने हुए हैं ऐसे। ये वाले जो ये बने हुए थे, शेड बने हुए थे, इधर से पॉइंट बोल लीजिए या कुछ भी, ये बने हुए थे त्रिवेणी घाट से आगे बैराज की तरफ। किस्मत भी अच्छी है भाई, हमारी साइड और बड़े सुंदर लग रहे हैं ना, बहुत अच्छा डिजाइन लग रहा है ये पीछे। कॉफी वगैरह के एंगल से ना, जिसको अगर देखना हो, बिल्कुल जानकी सेतु भी बिल्कुल बगल में है और पूरा का पूरा व्यू आ रहा है। पीछे गढ़वाल मंडल है, गंगा रिसोर्ट है, गढ़वाल मंडल का काफी अच्छा सुंदर व्यू है। मैं तो मैंने सोचा है आपको एक बार दिखाई देते, हम तो धूप सेकेंगे तो आपको बिना धूप सिखाए कैसे। आप भी धूप सेक लीजिए हमारे साथ। हालांकि थोड़ा सा सूरज कम हो गया है पर बढ़िया है, हवा नहीं है ना तो अच्छा लग रहा है। भैया ने कमेंट किया था, मैं ना उनका नाम लेना चाह रही थी कि भैया आपके वीडियो की वजह से जो जानकारी मिली ना, उसकी वजह से मेरी मम्मी की जान बच गई। हमने उनको मतलब हॉस्पिटल नहीं लेके गए, घर में ही उनको देखभाल की अच्छे से और आज वो बिल्कुल ठीक है। तो ये जान के खुशी हुई कि हमारी की नहीं थी कि किसी की तो बची जान। चलो मतलब ये है ना कि एक दूसरे से बातें शेयर करने से ये बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है कि लोगों तक सही इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। पहले इसको ना आस्था पथ के नाम से जानते थे, अब इसका नया नाम कर दिया अयोध्या आस्था पथ, क्योंकि लक्ष्मण झूला आ गया, राम झूला आ गया और जानकी सेतु आ गया, तो पूरी अयोध्या ही आ गई है यहाँ पे, इसलिए अयोध्या आस्था पथ हो गया है। और कुमार विश्वास आए हुए थे और वो गाना भजन गा रहे थे राम सिया राम।
लेकिन इंस्टाग्राम पे वो लाइव चल रहा था, इतना मजा आ रहा था। और शर्मा जी ने क्या किया, लाइव की जगह जैसे ही वो प्रोग्राम बंद हुआ ना, तो उसको नेक्स्ट करने की बजाय बैक कर दिया, तो वो लाइव प्रोग्राम छोड़ गया, सारे प्रोग्राम की सत्यानाश हो गया। बच्चे नए साल की तैयार जश्न मना रहे हैं अपने, कर रहे हैं बॉन फायर कर रखा है अपने, कर रहे हैं एंजॉय। और देखिए पीछे के चांद कितना सुंदर लग रहा है, चार चांद लगा रहा है। आज पूर्णमासी है ना? नहीं, कल थी। साल के जाते साल तो पता नहीं बुरा ही रहा था, लेकिन जाते जाते मतलब शर्मा जी को मिला है ये बढ़िया रहा। जाते जाते शर्मा जी को ये बाबा ने प्रसाद दिया है, ये तो संतरा है और ये कोई फली है कि कभी सरवर में दर्द हो तो इसको खा लेना। अभी यही प्रसाद बगल में बैठे हुए बाबा और दिया, और ये धतूरा है, इसको गंगा जल में प्रवाहित गंगा जी में प्रवाहित करने के लिए बोला है। और मुझे तो हीरे जवाहरात मिले, मुझे ये दिया है, ये क्या बोलते हैं इसको, पन्ना, कि ये पन्ना है, ये तुम पहन लेना चांदी में। और ये शर्मा जी को मिला है, कोई लड़का गया था अपने आप मोती दे रहा, मैंने कहा पता नहीं क्या दे रहा है ये, मना भी कर रहा था फिर भी ये मना कर रहे थे शर्मा जी, लेकिन कह रहे कि ये मोती क्या कहते हैं मेरे को अभी गंगा जी में से निकाला है मैंने ना उससे मना भी किया, भाई मेरे को नीचे करा नहीं, सच्चा मोती है गंगा जी में से पानी में से अभी निकाला है। मेरा बिन मांगे मोती मिले, आज मुझे हीरे जवाहरात मिल रहे हैं। तो भाई बिना साल का जाते जाते बिना मांगे मोती मिल रहे हैं, आज को बोलते ना बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। चले भाई नहीं आप जब हम गए थे ना, जब ध्यान कर रहे थे तो मैं बात नहीं करी, मैंने कहा जब हम यहाँ से निकले थे जब कर रहे थे ध्यान, एक बार शायद आप मिले थे पहले वहाँ बैठे थे उधर। हाँ पहले एक सुअर सुअर को आपने फल दिया था, भग गया था। आनंद उठा रहे हैं बाबा है। तो भाई साल के जाते जाते अब ये किस ये धतूरा प्रवाहित करने के लिए दिया है, अभी आने वाले समय की समृद्धि के लिए है या आने वाले कष्टों को निवारने के लिए है, जिसमें भी अभी मैं तो माँ गंगा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा ने दिया हमारे लिए, पर हमारे जितने भी व्यूअर हैं यूट्यूब फैमिली मेम्बर है ना, सभी के कष्ट हरे माँ गंगा और सभी का उद्धार हो, जो कष्ट इस साल में मिले हैं माँ गंगा कोशिश करे कि अगले वाले साल में उस तरह का कोई घटना दुर्घटना किसी के साथ भी ना घटे। तो बहा देते हैं भाई, अब थोड़ा ये कि कैमरे सब के कष्ट बहा देते हैं, बता रहा हूँ ये मेरे को इंडिविजुअली मिला था, पर मैंने यार इंडिविजुअली क्या, जब आप सभी हमारी फैमिली मेंबर एक तरह से भाई बहन माता पिता बहुत सारा इतना प्रेम भाव जगया है, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हमारे लिए भी बोल दिया करो, तो भाई डायरेक्ट बाबा का प्रसाद हमें मिला था और आपके नाम से भी भाई रहे इसको। हमारे घर में ना ये कलेश हो गया है, ये देखिए ये ऐसे ही पड़े रहेंगे, बाहर कितनी तेज धूप है कहीं नहीं जाएंगे, तो आज इसका मैं काम तमाम कर देती हूँ। ये गया बेड के अंदर, अरे मेरा सर्दियों का साथी, मतलब सर्दियों का साथी, ये कहीं नहीं जाते ना कुछ करते, इनको ऐसे ही पड़े रहने का मन करता है, मतलब ये कोई बात होती है बाहर इतनी तेज धूप निकली है, घूमो फिरो इंजॉय करो, और ज्यादा मेरा बस चला ना तो ये बेड भी उठा के फेंक दूंगी बाहर। आज ये पैक हो रहा है, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये मतलब जो नेचुरल धूप है उसका आनंद नहीं लिया जा रहा, यहाँ बैठ के पलंग तोड़ा जा रहा है।
वॉन्ट टू नो, देश जानना चाहता है कि आपको अंदर हीटर के सामने बैठ के अच्छा लग रहा था या यहाँ पे धूप सेकने में मजा आ रहा है। ये लेडी अर्ना गोस्वामी बन रही है, जबरदस्ती का नाटक कर रही है नए साल वाले दिन। देश जानना चाहता है, जवाब दीजिए, बातों को मत घुमाइए। देश जानना चाहता है, जवाब दीजिए। भाई यही अच्छा लग रहा है यार, मतलब नेचुरल धूप के सामने हीटर की क्या औकात है। देखा सही कहा था ना मैंने, इसलिए हमने हीटर का पैकअप कर दिया है। और हीटर के ना एक बार बैठ जाओ तो उससे आप बच नहीं सकते। अभी हमने इसको पैक कर दिया। ये गाड़ियां भाई गलत लगा रखी हैं, और कहाँ से निकलूं, जगह तो ये बीच रास्ता है बिल्कुल। भाई कह रहा है शर्मा जी चले जाओ, ना के आयो कि नहीं आए। शर्मा जी आप ना के आयो कि नहीं आए। ना के आया हूँ भाई, ना के आया हूँ। नए साल में ना खूब पानी छोड़ा गया है, क्योंकि बीच में ना बिल्कुल ये दिखाई देता था यहाँ पे प्लेटफॉर्म, अब जो है ही नहीं, बिल्कुल काफी सारा पानी जल छोड़ा गया है पीछे से। फाइनली हीटर छोड़ने का नतीजा माँ गंगा ने दे दिया, पूरा भरा हुआ है। देखा कितना बढ़िया नज़ारा दिखाया है। तो भाई दोस्तों नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हालांकि इस वीडियो को शूट करने के बाद हम आपको लाइव दर्शन भी कराने वाले हैं। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नए साल में खुशियों का इंतजार कर रहे होंगे। बढ़िया बढ़िया खुशियाँ मिले सबको और नया साल बढ़िया गुजरे, माँ गंगा की सब पे कृपा हो। जब से नीलकंठ से आए हैं ना, तो उतरते वक्त थोड़ा भी उतर रहे हैं तो नी में पेन हो रहा है, क्योंकि वहां पे हम दौड़ लगाते हुए उतरे थे। ट्राई करता हूँ राफ्टिंग करवा देता हूँ। हेलो भैया इसको उतार दो यार वहां के तक। मजाक कर रहे हैं। मतलब मैं क्या यार, मैं क्या बच्ची हूँ, मुझे 10 रुपए, मतलब 10 रुपए ले दो, यहाँ से लेकर जाता राफ्टिंग कर लो। ऐसे काम कर ले जाओ यार, ये जबरदस्ती मेरे को देखो किसी को भी दे, इसको ले जाओ यार, राफ्टिंग हो जाएगी नए साल में। हाँ सही कह रहे हैं भैया, करवा दे यार। ना सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शर्मा जी किसी के भी सर हो रहे हैं, इसको ले जाओ, उसको ले, बताओ मैं इतनी एक्स्ट्रा हूँ। भाई मैं ले जाने के लिए नहीं बोल रहा, राफ्टिंग कराने के लिए बोल रहा हूँ। 10 रुपए में राफ्टिंग यहाँ से लेके वहाँ तक, मैं कह रहा हूँ 10 रुपए, आजकल बच्चे भी नहीं मानते। 10 रुपए में टॉपी, यहाँ से 20 मीटर है, मतलब 60-70 या 100 फुट होगा। आजकल बच्चे भी 100 रुपए लेके पीछे छुड़ाते हैं, ये 10 रुपए मेरे को बुला रहे हैं। अब ऑटो छोड़ देता है, अब खाली तो जा रही है। मैं ऐसे राफ्टिंग नहीं करनी, रैपिड में जाना है। मैं मार दूंगी अभी, नहीं महाराज, अरे मैं मार लूंगी अभी, कोई नहीं, मैं मार दूंगा। मार देंगे, मार देंगे। अरे भैया एक बार सुन जाओ, नाम का शर्मा जी बोल रहे थे पापा को, बाबा हमारे नाम की डुबकी लगा लो, तो बाबा बोले तुम्हारे नाम का खा लेता हूँ, खा भी लेता हूँ। नहीं बाबा, हालांकि बाबा ने ना हमारे नाम से हमारी रिक्वेस्ट पे ना लगा तो दिए, आप सबके लिए भी डुबकी लगा दी हमारे लिए। नहीं मैं लगाऊंगी अभी डुबकी, चिंता ना करो आप। मैं ये बहादुरी का काम कर सकती हूँ। मैं सुन रहा हूं सही डायलॉग सब लगा रहे हैं। हाँ ये शर्मा जी के लिए सही था। फाइनली पूरी यूट्यूब फैमिली के नाम की डुबकी मारने जा रही हूँ अपने नाम की। जल बड़ा ठंडा है पर हम सह लेंगे। इसकी ठंड में ना कुकड़ी बन जाएगी, इसको घर ले चलते हैं। कोई कुकड़ी नहीं यहाँ पे, अच्छा लग रहा है धूप के सामने, बल्कि घर रहते यहाँ पे अच्छी तरह झाड़ जुड़ के तब जाएंगे। तो भाई वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। हर हर गंगे, हर हर महादेव, कोई ठंड नगली। माता पिता का ख्याल रखिए भाई, और माता पिता ज्यादा पैसों वैसों के चक्करों मत पड़ो, बच्चों का ख्याल भी रख लो। हर हर गंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव।